हेलो फूडीज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अमन्स किचन एंड फूड ब्लॉग। आज हम आपके लिए केसी हलवा बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, यहाँ पर हम देसी घी एक कटोरी लिया हमने, सूजी और चीनी, ये हमने तीनों की सेम क्वांटिटी ली है। साथ में ड्राई फ्रूट में लिया है कैशूनट, आलमंड्स, सोगी और साथ में हमने लिया इलायची पाउडर और एक पिंच हमने लिया है केसरी कलर। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कहाँ हमने यूज़ करना है। तो चलिए अपना हलवा बनाना हम शुरू करते हैं। अब करते हैं इंडक्शन ऑन, इसमें हम डालते हैं देसी घी। आप कोई भी घी ले सकते हो लेकिन हमने देसी घी लिया है। ठीक है, हमारा मेल्ट हो गया है तो अब हम डालते हैं इसमें सूजी। अब ध्यान रखिए आपका टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए। हमने इसको धीरे धीरे करके ब्राउन कलर में लेके आना, लाइट से ब्राउन कलर में। जितना आप इसको धीरे बनाओगे उतना अच्छा बनेगा। देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है ना, हमने इसको डार्क कलर में नहीं लेके आना, बस हमने इसको हल्का सा गोल्डन कलर में लेके आना है। और साथ में आपको दिखाता हूँ मैं, ये हमने कलर लिया है ना, इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये हमने एक पिंच लिया है केसरी कलर, ऑरेंज कलर। अगर आप ऑरेंज कलर पसंद करते हो तो ऑरेंज बनाओ, लेकिन हम तो केसरी हलवा बना रहे हैं तो हमने केसरी कलर लिया है। आप येलो कलर भी ले सकते हो। आप देख रहे हैं हमारी सूजी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, उसका कलर भी लाइट सा गोल्डन आ गया है। तो अपना हम इसमें डालते हैं पानी, बस इतना हल्का सा चला लूं और मैं ऐड करता हूं इसमें पानी। जैसे हमने एक एक कटोरी लिया था ना, तो हम इसमें चार कटोरी पानी डालेंगे। अपने धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है। जब आप पानी डालो तो आपने इसका टेम्परेचर हाई कर देना है। इसको हल्का सा चला के हमने चीनी ऐड कर देनी है। एक कटोरी चीनी ली थी हमने, वो डाल दी है। साथ में हम डालते हैं इसमें अपना केसरी कलर। इसको ना चलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। अब हम डालते हैं इसमें इलायची पाउडर, ये हमने लिया 2 पिंच। ये कितना अच्छा कलर आया ना हमारा। डालते हैं इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स, कैशियस, आलमंड्स, सोगी, रेजिन्स और ये हलवा हमारा बन गया। इसको साथ ही हम बंद कर देंगे। साथ में हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। हमने लिया एक बाउल, इसमें डालते हैं हलवा। अब हम गार्निश करते हैं इसकी ड्राई फ्रूट से, बादाम, काजू और सोगी से। तो लीजिए हमारा केसरी हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको एंजॉय करें, अपने घर पर बनाएं और मुझे बताएं कि आपका केसरी हलवा कैसा बना है। अगर आपको ये हलवा पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
and do not forget to press the bell icon for more notifications. Thanks for watching my video.